हाँ तो भाई, अर्ज किया है कि खुदा को आजमाना चाहिए था, किसी का दिल दुखाना चाहिए था। खुदा को आजमाना चाहिए था और किसी का दिल दुखाना चाहिए था। नजरिए फलसफे अपनी जगह, हमें शादी में जरूर जाना चाहिए था। बिस्मिल्लाह रहमान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे, फटाफट होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सो ये जो शेर आपने सुना है, मुझे पता है रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक लफ्ज़ है नज़रिया। सो आज हम बात करेंगे नज़रिए पर, यानी कि इंसान की नज़र जैसी भी हो ना, उसका नज़रिया वाइड होना चाहिए। सो इसी मसले को मद्देनजर रखते हुए अभी हम लोग जा रहे हैं पिंडी सदर। और सदर हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ना यार मसला ये है कि ना, जो iPhone 7 Plus तक के मॉडल है ना iPhone के, उसमें वाइड एंगल लेंस नहीं है। सो जब मैं फ्रंट कैमरा से व्लॉगिंग करता हूँ उसमें तो सही आता है, मतलब अच्छा कवर हो जाता है एरिया। लेकिन जब मैं यूँ मतलब बैक से मैं कोशिश करूँगा, बैक कैमरा से व्लॉगिंग करूँ ना, तो उसमें इतना करीब हो जाता है कि मैं सिर्फ इतना ही नज़र आ रहा होता हूँ। तो उसमें फिर मसला होता है, फिर मुझे फ्रंट से करनी पड़ती है, उससे इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि बैक कैमरा की परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है ना लाइट के। और मसला ये है कि अभी सर कंस्ट्रक्शन भी उनका शोर आ रहा है, लेकिन अब करनी है व्लॉगिंग तो करनी है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करें इस आवाज़ के साथ। सो बस अभी हम जा रहे हैं पिंडी, और पिंडी जाने के दो तरीके हैं एक गरीब आदमी के लिए। तरीका नंबर वन जो कि है मेट्रो, हम मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, या फिर तरीका नंबर टू राजू जी की 70। सो मौसम के मद्देनजर रखते हुए आज हम जाएंगे CD70 के ऊपर, यानी कि बाइक के ऊपर जाएंगे। और रश भी होता है तो बाइक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। सो मेरे साथ तलहा भी मिल जाएगा, और साथ में ज्वाइन करेंगे बाद में अली और एक और तलहा है, आज तलहा स्क्वायर होने वाला है। सो उनके साथ हम जाएंगे, उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो आपको पिंडी चल के मिलते हैं। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless. हाँ तो खवातीन, पिंडी हम पहुँच चुके हैं सदर के अंदर, और इस साथ अली भी था ना, तो उन लोगों ने कुछ जूते वगैरह देखने थे, तो वो आ रहे हैं दोनों, उन्होंने शूज़ देखने थे। तो बस अभी जाते हैं सिंगापुर प्लाजा, और वहाँ से पता करते हैं, लग रहा है वहीं से वाइल्ड एंगल मिल जाए। हो गया मसला फाइनली, ये अली भाई इधर गया, मसला हो गया, बस अभी सिंगापुर प्लाजा चलते हैं। हाँ तो भाई ये सिंगापुर प्लाजा के मतलब वो वाली एंट्रेंस उधर है फ्रंट पे, ये भी बाइक खड़ी है, बाइक खड़ा किया तो हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं। हाँ तो पता करते हैं वाइल्ड एंगल दिल्ली के बच्चे। हाँ जी लिपि, किधर से मिलेगा हमें वो वाइड एंगल लेंस, फोन किया कि चलेगा उनसे नहीं मिलेगा जो नीचे शॉप में से पता करना किधर से मिलेगा। इसमें फिर एक और शॉप प्रूफ शीट आती है, देखने में शीट जैसे काम होता है। हाँ तो भाई 4-5 दुकानें हमने देखा है, लेकिन मेला नहीं है अभी, आगे को बता रहे किसी और प्लाजा में, वहाँ देखते हैं, तो ऊपर 5-6 दुकानें और भी हैं, तो अभी वहाँ जाके चेक करते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो बस फिर चला भाई सामान खा के। भाई ज़्यादा वजन तो नहीं है, बेहोश तो नहीं होने लगा ना, जितना चाहिए यहाँ से उठाने पर कोई नहीं आएगा तुझे। हाँ यहाँ पे US कम्युनिकेशन। हाँ तो खवातीन आज़ाद, ये लेंस मैंने ले लिया, ये मैं घर जाकर दिखाता हूँ अभी, ये हालत टाइट हुई है, ये भी अपना मसाइल निकाल रहे हैं, हमारा बाइक है। यहाँ से लोग जाएंगे घर, और हमें इधर से जाना है इसके मामू के घर और मेरे चाचू के घर, जो कि है अडियाला। तो ये लोग घर जा रहे हैं, बाकी भाई अल्लाह हाफिज़, हमारा सफर यहीं तक का था। तुम्हारा एक और पार्टनर किधर है, वो दूर खड़ा हुआ है। यहाँ से बस हम बाइक स्टार्ट करके हम जा रहे हैं अडियाला, और ये जा रहे हैं घर। और सफ़र करो ना यहाँ से थोड़ी देर, थोड़ा तो साथ साथ चलो ना। हाँ तो भाई अडियाला हम पहुँच चुके थे, मतलब अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, तो काफ़ी टाइम पे ये पीछे घर था ना, हम आए थे कब, थोड़ी देर बैठे रहे, गपशप मारी है, अभी वापस जा रहे हैं। और मैं आपको मतलब लेंस जो मैंने लिया है ना वो ये वाला, तो मैं आपको लगा के दिखा दूँ कि लग कैसा है, मतलब वाइड एंगल से फ़र्क कितना पड़ रहा है। यूँ तो मुझे फ्रंट कैमरा से करना पड़ता था ना व्लॉग, मतलब बैक से बहुत ज़्यादा क्लोज नज़र आता था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बैक से ये लगाने के बाद कैसा व्यू है। हाँ तो भाई मतलब उसके भाई लेंस के बगैर अभी ना इस तरह नज़र आ रहा है, अभी लेंस लगाता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा व्यू आ रहा है। तो अभी लेंस के साथ कुछ ऐसा मतलब इसमें नहीं पता चल रहा है, मैं आपको यूँ करके दिखाता हूँ यूँ, तो यूँ मतलब पहले ना मतलब इतना ही मैं नज़र आता था फेस मेरा बैक साइड से, तो इतना नहीं पता लगता, तो इस वाइड एंगल के साथ ये है कि अब मैं आपको सही नज़र आ रहा हूँ। तो अब मुझे करनी भी, अब मैं आदत बना रहा हूँ कि मैं बैक कैमरा से ब्लॉगिंग किया करूँ, इससे बड़ा ईजी हो जाता है यूँ स्विच करना। तो पता नहीं सही लगाया भी है मैंने नहीं, तो अभी बस घर चलते हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं वहाँ जाके ही, तो मैं आपको घर जाके मिलते हैं अब, ठीक हो गया तला भाई, ओके। हाँ तो भाई फाइनली लंबा सफ़र करने के बाद हम घर पहुँच चुके हैं, और ये तला भी है जो पोल्ट्रियों के अंदर खड़ा हुआ है, कैसा लगा बाइक का इतना लंबा सफ़र करके? बहुत सर्दी थी
इसके धूप में सर्दी लग रही थी। तो बस अभी हम घर पहुंच चुके हैं और घर पहुंचने के बाद ये जो अभी आप व्यू देख रहे हैं ना ये लेंस के साथ देख रहे हैं, तो यानी कि अब आपको काफ़ी वाइड नज़र आ रही है। मैं बैक कैमरा से व्लॉगिंग कर रहा हूँ। सो बस अभी इस दीवार पे इक्विपमेंट में एक नई चीज़ ऐड हो गई है, वो हम लिख के व्लॉगिंग इसको वाइड एंगल का भी लिख के यहाँ चिपका देते हैं। सो ठीक हो गया। ओ हेलो, ओ ठीक हो गया, बस वो लिख के चिपका देते हैं और फिर वहीं पर व्लॉग हम एंड कर देंगे। सो इतनी बहुत है ना, आपको पता होगा बहुत ही होगी यार, छोटे छोटे करके लिख लेंगे। इसको मैं चिपकाऊं किधर? किधर अच्छा लगेगा? किधर? जो जो क्लिप के साथ ऊपर इधर। यस चिपका दूं, बाकी बात है। Yes. So, equipment में ये भी कुछ ऐड हो गई है अब, और बाकी ये दीवार की बात हम फिर किसी दिन दोबारा करेंगे। सो बस जस्ट देखें अभी ये लेंस के बगैर मैं इतना नज़र आता हूँ। सो अब हम ये ब्लॉग कहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। चला भाई आप ही आ जाएं, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ करो भाई। हेलो टेस्टिंग 1 2 3 किया मुँह से भी बोलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।